कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। आज हमारे हैं मेहमान हस्की, साइबेरियन हस्की, ब्लू आइज एंड प्रॉपर, यो बार बार मैं कहता रहता हूँ, त्रिशूल वाली मार्किंग। देखिए आईब्रो और बीच में टीका और आंखों का कलर, थोड़ा कैमरे की लाइट के कारण आपको शायद थोड़ा फेडेड लग रहा, लेकिन बच्चा बहुत बढ़िया है। पूरी बैक की मार्किंग, जो लुक। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हस्की इंडिया में रह नहीं सकते, आई डोंट नो कि ये कहाँ से हैं। एक बात और फ्रेंड जरूर है कि इसके नाम के साथ साइबेरिया जुड़ा है, उस कारण लोगों को लगता है कि ये ठंडी में ही रह सकता है, गर्म वेदर में नहीं रह सकता। वैसे तो सेंट बर्नार्ड के नाम के साथ भी स्विट्जरलैंड जुड़ा हुआ है, लेकिन तब तक तो वहाँ तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करता कि ये स्विट्जरलैंड की ब्रीड है और इंडिया में कैसे रह रही है। वैसे बहुत सारी और ब्रीडें हैं, शिरजू, लासा, एप्सो और बहुत सारी ब्रीड्स हैं, तो ये वो है साइबेरियन हस्की जो कि इंडिया में रहते हैं। हाँ, जो रिसेंटली इम्पोर्ट होते हैं ना माई फ्रेंड, जैसे कि इस साल ही डॉग बाहर से इम्पोर्ट कराया, उसके लिए इंडियन क्लाइमेट को अडॉप्ट करना थोड़ा सा टफ चैलेंज होता है। बट उसके लिए भी जो रिसेंटली इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी वो प्रॉपर, उसके लिए रख रखाव के लिए, टेम्परेचर मेंटेन के लिए, पहली गर्मी के लिए पूरे तैयार होते हैं। लेकिन जो हस्की ऑलरेडी इंडिया में लगभग पिछले 10 सालों से रह रहा है, 5 सालों से रह रहा है, 3 सालों से रह रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और मैं फ्रेंड ये अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो ये 5 से लेकर 1 डिग्री या माइनस में भी रह लेते हैं। आप जानते हो इंडिया में टेम्परेचर ऐसा आता है, और ये 40-45 डिग्री में भी बड़े आराम से रह लेते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हस्की के खान पान के ऊपर बस आप ध्यान रखना, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट की टेंशन आप मत लो। क्योंकि आज ही मेरे को फ़ोन आया किसी से कि हम बिहार से हैं, पटना में हस्की लेना चाहते हैं। पटना में क्या, इंडिया की लगभग कोई ऐसी सिटी नहीं है कि जहाँ पर ये हस्की नहीं होते। बट जो मैं बार बार कहूँ, जो पपी ऑलरेडी इंडिया में बॉर्न हुए हैं, इनके माँ बाप के माँ बाप भी इंडिया में जो बॉर्न हुए हैं, वो बड़े आराम से रह लेते हैं माय फ्रेंड। जो न्यूली बाहर से इंपोर्ट होते हैं, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये साइबेरिया हस्की, ब्लू कलर, वाइट एंड ब्लैक, ओ गुड। फ्रेंड्स, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग, क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है। कैसा आपका घर है, क्या कितना समय है आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। होला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।